गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन जो कि नैरेट शब्द से बना है, लाइट नहीं आ रही। जो कि नैरेट शब्द से बना है, नैरेट मीन्स होता है कहना और नैरेशन मीन्स कथन। यदि आपके पास बुक्स हैं तो पेज नंबर 61, टेस्ट बुक का पेज नंबर 61 ओपन कर लीजिए। वहां आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट या हम बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे सबसे पहले ही सेड टू मी शिवा इज अ गुड बॉय। ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि यहां पर जो स्पीकर है वो डायरेक्ट कह रहा है, सीधे बता रहा है Shiva is a good boy. So this is direct speech. अब जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना, for example, he told me that Shiva was a good boy. Indirect speech या हम बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। चलिए आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सबसे पहले समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस आर मोस्टली यूज्ड इन राइटिंग। अधिकांशतः डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग हम राइटिंग में करते हैं। द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स जो में कहे गए हैं आर रिटन एज दे आर। तो जैसा उनको बोला गया है, कहा गया है या बताया गया है, ठीक उसी तरह से उनको वहां पर लिख देते हैं। एंड आर प्लेस्ड विद इन अ पेयर ऑफ कोटेशन मार्क्स, या आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। शिवा सेड विष्णु इज अ गुड बॉय। तो यहां हम देख सकते हैं विष्णु इज अ गुड बॉय। एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं जो कि बोले गए हैं शिवा के द्वारा। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच वी नीड टू लर्न द चेंजेस। इनका अंतर समझने के लिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन भी कह सकते हैं, तो इनके लिए हमें कुछ जो परिवर्तन होते हैं उनको सीखने की आवश्यकता होती है। अब इसको डायरेक्ट को सबसे पहले समझने के लिए जो दिया गया वाक्य है उसको हम दो भागों में बांट लेंगे। फॉर दिस वी कैन डिवाइड द गिवन सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट रिपोर्टिंग
क्लॉज, जिसको कि हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं. सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. मोनू सेड टू मोना, आई एम योर फ्रेंड. दिखने में ये एक सेंटेंस है पूरा, लेकिन हम इसके दो भाग करेंगे. फर्स्ट पार्ट, मोनू सेड टू मोना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आई एम योर फ्रेंड. सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे और सेकंड पार्ट को हम क्या कहेंगे, देखते हैं. फर्स्ट, रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं. रिपोर्टिंग क्लॉज, सेकंड पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब दी रहती है, जैसे कि सेड, SAID, सेड, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. मोनू टोल्ड मोना फ्रेंड. अब यहां हम देख सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि टोल्ड दैट ही टॉल्ड हर. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में अंतर. किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को जब चेंज करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आवश्यक होते हैं. तो सबसे पहले मोनू सेड टू मोना, जो कि आपका रिपोर्टिंग क्लॉज था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है. सेड टू इनटू टोल्ड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन का यूज करते हैं. तो यहां इन्वर्टेड कॉमास को हटाया और दैट का यूज किया. आई, जो कि प्रोनाउन है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है. आई को हमने ही में परिवर्तित कर दिया. एम, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको भी हमने एम को वॉज कर दिया. योर, जिसको कि हर में चेंज कर दिया. तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं सीखते हैं. पहला चेंजमेंट हम सीखेंगे रिपोर्टिंग, सॉरी चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब. इफ रिपोर्टेड स्पीच इज सिंपल, देयर आर टू कंडीशंस. यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है, स्टेटमेंट है, माने साधारण वाक्य है, तो दो कंडीशंस होती हैं. रिपोर्टेड स्पीच द सेकंड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल है तो फर्स्ट में. यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को हम चेंज कर देते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड में. टू को हटा दिया जाता है और ऑब्जेक्ट
जैसा है वैसा रख देते हैं. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कंडीशन, यदि सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब दी है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं. से, सेज या सेड को वैसा ही लिख देते हैं. से, सेज या सेड. एक बात से ध्यान रखिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है, इसका मतलब स्टेटमेंट. एग्जाम्पल, मोनू सेड टू मोना, आई एम हैप्पी. मोनू टोल्ड मोना दैट ही वॉज हैप्पी. यहां पर सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है मोना. नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, मोनू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, लेकिन इस सेड को नहीं किया गया है, परिवर्तित नहीं किया गया क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया. लेकिन ये याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य लिखा है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच, वो स्टेटमेंट होनी चाहिए. इसका मतलब अपेरेटिव सेंटेंस, या हम बोल सकते हैं साधारण वाक्य. यूज ऑफ दैट. अब हम जो दोनों वाक्य हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है. तो जब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज सिंपल, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. तो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इनको हटा दिया जाता है और दैट का प्रयोग करते हैं. मोनू सेड दैट ही वॉज हैप्पी. कंजक्शन का प्रयोग एक बार फिर दोहरा लें. While changing a direct speech sentence into an indirect speech sentence, जब हम direct speech sentence को change करते हैं indirect speech में, तो we use a conjunction. तो हम एक conjunction का use करते हैं to join both the clauses, दोनों clauses का. The introductory clause, इसका मतलब report clause, जो कि first part. और सेकेंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स, वास्तव में जो शब्द कहे गए हैं स्पीकर के द्वारा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हम कह सकते हैं. तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है. तो यहां सिंपल सेंटेंस के लिए हम जोड़ने के लिए to join the two clauses in a statement sentence. Statement sentence, ध्यान रखिएगा, साधारण वाक्य जो कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन interrogative नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, ना imperative होगा, आदेशात्मक भी नहीं होगा. Simple, जैसे कि I am a boy. कभी कभी द कंजक्शन दैट इज समटाइम्स नॉट मेंशन एज इट इज अंडरस्टूड. कभी कभी कई किताबों में दैट को हटा दिया जाता है, यूज नहीं करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है. अब आइए देखते हैं जनरल रूल्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच. इसका मतलब है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में जो जनरल रूल्स हम यूज करते हैं, फर्स्ट
change in tenses. Second, change in persons. या pronouns भी बोल सकते हैं. Third, change in time and place expressions. ये तीन परिवर्तन अंदर होते हैं. याद रखिएगा, बाहर जो अभी तक हमने सीखा, सबसे पहला परिवर्तन था चेंज मेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब जो कि से, सेज या सेड, जिसको हमने चेंज किया था टेल, टेल्स, टोल्ड में. इसके बाद हमने यूज किया था कंजक्शन दैट. अब हम अंदर के परिवर्तन देखेंगे. तीन परिवर्तन होते हैं. पहला है चेंज इन टेंसेज, टेंस में परिवर्तन. दूसरा है चेंज इन पर्संस, मतलब प्रोनाउंस. और तीसरा है चेंज इन टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला चेंज इन टेंसेज. इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित हो जाता है. पास्ट इंडेफिनिट, यहां ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं. पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है. जैसे कि विल, शैल, कैन, मे, इनका पास्ट फॉर्म यूज कर देते हैं. जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट. वुड, शुड, कुड, माइट, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है. अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. जब परिवर्तन हम कर रहे हैं तो चेंज इन टेंस. शी सेड टू हिम दे आर फाइटिंग. ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है. और दूसरी बात याद रखिएगा, जो एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो कि बोले गए हैं सीधे स्पीकर के द्वारा, परिवर्तन के इन्वर्टेड कॉमास में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है या बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. तो अब यहां जब हम परिवर्तन कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं वर्ब की, मतलब टेंस की. आर बॉक्सिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो आर फाइटिंग का वर्ब फाइटिंग, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हमने चेंज किसमें कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. आर अभी सिर्फ हम जो परिवर्तन समझ रहे हैं वो चेंज इन टेंस. यहां अगले अगली पिक्चर में हम देख रहे हैं
यहाँ एक महिला मैसेज दे रही है, तो इसने कहा she said to me, he has given me some medicine. डायरेक्ट स्पीच है. अब इसमें जो टेंस में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. शी टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन हर सम मेडिसिन. Had given past perfect tense. अगला example देखते हैं. She is waiting. She said, I've been waiting here. उसने कहा कि मैं यहां पर एक घंटे से इंतजार कर रही हूं. डायरेक्ट स्पीच है. अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हैव बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम चेंज हमने किया है हैड बीन वेटिंग, दैट मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Next example, he said, she played golf in the morning. Direct speech है और यहाँ पे played second form दी है, जो कि past indefinite या past simple tense हम कह सकते हैं. जब इसको change करते हैं हम, तो past perfect tense में परिवर्तित कर दिया जाता है. Played main verb है, simple past tense है. He said that she had played golf. तो यहां पर played को जो कि second form past simple, इसको हमने change कर दिया है past perfect tense had plus V3, that means third form. He said, comma, inverted comma, I bought a house. Direct speech. Bought is main verb here, जो कि simple past tense है, second form है bought. He said that he had bought a house. Indirect में जब हमने इसको change किया, तो bought को हमने past perfect में, that means had bought. She said to me, comma inverted comma, he was swimming in the pool. Was swimming, main verb, past continuous tense. She told me that he had been swimming in the pool. So, हमने इसको past में change, sorry, was swimming, past continuous है, तो हमने इसको past perfect continuous में change करेंगे. Had been swimming. Thank you.
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो मॉडल वर्ब्स होती हैं आर चेंज इन देयर पास्ट फॉर्म. जो एक्टिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम चेंज कर देते हैं साथ में मॉडल ऑक्सिलरी को भी, जैसे कि कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, शैल को शुड में. She said to me, comma, inverted comma, they will take their test tomorrow. So, यहाँ will को हमने would में change कर दिया. She told me that they would take their test the next day. Will becomes would. Change in pronoun. So, अभी हमने देखा था change meant in tenses, tense में परिवर्तन. लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यद reporting verb past में है said, said, तो ही हम tense में परिवर्तन करते हैं, अन्यथा tense में परिवर्तन नहीं किया जाता है. ये ध्यान रखिएगा. फिर एक बात ध्यान रखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है एस ए आई डी तो ही हम टेंस में परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यदि वहां से सेज दिया है या विल से दिया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा. नाउ द चेंज मेंट सेकेंड वन, चेंज इन प्रोनाउन. Direct speech, Rohit said, comma, inverted comma, I am coming, full stop. तो यहां जैसा हम देख रहे हैं I, सबसे पहले हम pronouns. Pronouns वो शब्द जो कि noun के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे I, we, you, they, he, she, it. तो इनको हम चेंज करते हैं, प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जाता है. रोहित सेड दैट ही वाज कमिंग. अब ये आय का यहां पर ही किया है तो किस नियम के तहत हम ऐसा करते हैं और कौन सा नियम हम यूज करेंगे, आइए देखते हैं. रूल सन अपॉन 1, 2, 3, इसको नोट कर लीजिएगा. एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज. एक बार से देख लीजिए, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर चेंज. 1, 2, 3. 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 means second person, 3 means third person. अब ये first, second, third person क्या है? Pronouns को हम तीन भागों में बांटते हैं. वो तीन भाग हैं first person, second person and third person. आइए इस चार्ट से हम समझते हैं. Persons first, second और थर्ड. नंबर बताया गया है, देखिए सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन और बहुवचन. अब किस जेंडर के लिए हम यूज करते हैं वो भी देखेंगे. अब यहां देखें आई, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सेवन ये प्रोनाउंस हैं. इनमें से कुछ में परिवर्तन होता है कुछ में नहीं. जैसा हमने देखा सन अपॉन 1, 2, 3, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज. तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है और थर्ड पर्सन में नो चेंज. तो ये यहां पर जो दिए हैं ही, शी, इट, दे या हिम, देम, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता. साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा,
थर्ड पर्सन के अंतर्गत हम नाम को भी रखते हैं या अन्य जो शब्द होते हैं, तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई वी यू ही शी इट दे, ये नॉमिनेटिव या फिर हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके जो नीचे लाइन है, मी अस यू हिम हर इट देम, इनको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव या एग्जेक्टिव केस कहते हैं। पजेसिव, जो कि संबंध दिखाते हैं, जैसे माय फादर, आवर स्कूल, योर बैग, हिज ब्रदर, तो ये संबंध दिखाते हैं। माइन आवर्स योर्स, ये भी संबंध दिखाते हैं, लेकिन ये विदाउट नाउन यूज किए जाते हैं। नीचे जो दिए हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, सिडनी में जो वहां पर टीचर हैं वो जरा सामने आए। लखनदौन सिवनी, कोई कहाँ है? हाँ, तो ये सिवनी में कस्टोडियन टीचर कौन है? सामने आइए कैमरे के जरा। सिवनी के बच्चे सामने देखे, आप तक आवाज आ रही है मेरी? बीच बीच में इनको टोकते जाइए, क्योंकि आपका वन वे चल रहा है ना, दूसरी तरफ से क्या होता है, प्रभावी चलेंगे जी। सिवनी में कोई टीचर है? टीचर है तो सामने आकर हाथ ऊपर करिए। नहीं है। और ये बच्चे तमीज से बैठेंगे यहाँ वहां भटक रहे थे? ये कौन सा है? दूसरा होशंगाबाद, ये पेपरिया, पेपरिया होशंगाबाद के बच्चे आप लोग लिख नहीं रहे? पेपरिया होशंगाबाद के बच्चे, पीछे वाले बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, देख रहा हूं मैं यहां से। आप सबको याद होना चाहिए इस बात को कि यहां से पूरे मध्य प्रदेश के 313 स्कूल दिखाई देते हैं हमारे कैमरे में, और हम नहीं चाहते कि हमको आपका स्कूल का नाम लेके पूरे मध्य प्रदेश वाले सुनते होंगे कि ये स्कूल के बच्चे बदतमीज हैं। सिवनी के बच्चों पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। लखनादौन सिवनी, यहाँ देखिए, ही सेड टू हर आई लाइक यू, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें जब हम चेंज कर रहे हैं तो आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है, तो जैसा कि हमको नियम याद होगा, सन अपॉन 1, 2, 3, एस मीन्स सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, तो ही सब्जेक्ट है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ही।
और यू सेकंड पर्सन है जिसको कि हम ऑब्जेक्ट हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो इस वजह से सॉरी ही टोल्ड हर दैट ही लाइक हर. नेक्स्ट द गर्ल सेड टू द स्पाइडर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव ईटन माई चॉकलेट. तो यहां द सब्जेक्ट है द स्पाइडर ऑब्जेक्ट है. तो यहां यू सेकेंड पर्सन है माई फर्स्ट पर्सन है. तो द गर्ल माई द गर्ल के अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू द स्पाइडर. तो द गर्ल टोल्ड द स्पाइडर दैट क्योंकि स्पाइडर के लिए हम इसका यूज करेंगे इसलिए यू के स्थान पर हमने इसका यूज किया है और माय को हमने हर में चेंज कर दिया है क्योंकि गर्ल के लिए हम हर का यूज करते हैं. मोना सेड टू मोनू आई मोनू के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो कि हमने एम का यूज किया है. ध्यान रखिएगा कि यहां पर आई के मतलब आई के स्थान पे हमने एम का यूज किया है कि मोना एक लड़की है. और दूसरी बात ध्यान रखना है सब्जेक्ट अगर है तो वहां से भी हम सब्जेक्टिव केस ही लेंगे. अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे. तो यू का हमने क्या कर दिया है हिम. The boy said to me, "You aren't my friend." The boy told me that I. So you का हमने क्या किया I. You second person है तो me के according change हुआ है I. और my first person है तो the boy के according his. एक परिवर्तन और लिख लीजिए लास्ट. डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जाता है तो कुछ शब्दों में और हम चेंज करते हैं जैसे कि दिस दैट हियर देयर नाउ देन. इनको भी नोट कर लीजिए. टुडे का दैट डे यस्टरडे the day before या the previous day दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं. tomorrow the next day last week before या फिर the previous week next month the following month ago before. दो मिनट सर नोट कर लेंगे. थैंक यू.